न्यूज, मैं पुनीता मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। जनपद बांदा में मिला कोरोना का चौथा मरीज, दो गांवों को किया गया पूर्ण तरह से लॉकडाउन। उपजिलाधिकारी नरेना वंदिता श्रीवास्तव द्वारा घर घर सैनिटाइजर एवं स्कैनिंग किए जाने का दिया गया आदेश। क्षेत्रीय विधायक राजकरण कबीर भी अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचकर प्रशासन द्वारा हो रहे कार्यों से हुए संतुष्ट। साथ ही मोहल्ले वालों को बंधाया ढांढस, कहा कि प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की नहीं होगी ढील। उत्तर प्रदेश बांदा जनपद के नरैनी कोतवाली कस्बे के मोहल्ला राम नगर में निवासी एक 26 वर्षीय युवक कोविड-19 से पीड़ित होकर घर आ रहा था। परिवार के मना करने पर सीधे बांदा जांच के लिए पहुंचा। पॉजिटिव आने पर प्रशासन तुरंत हरकत में आकर ऐतिहासिक कदम उठाकर कार्यवाही की। उसके घर की तीनों गलियां सील कर दी गई हैं। यह कार्य नगर पंचायत द्वारा किया गया है ताकि मोहल्ले में कोई आसानी से जा नहीं सकेगा। स्वास्थ्य विभाग ने गलियों में क्वारंटाइन किए जाने का कार्य भी प्राथमिक तौर पर कर दिया है। इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की 10 टीमें थर्मल स्क्रीनिंग का कार्य एक एक घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति का करने में जुट गई हैं। इसके अलावा जहां से युवक ने अपनी ननिहाल जमावरा पहुंचकर बाइक ली है, वहां भी स्वास्थ्य विभाग की 4 टीमें द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग करवाई जा रही है। साथ ही नरही गांव में इसके मिलने वाले 2 दर्जन घरों में थर्मल स्क्रीनिंग करवाने का कार्य होगा। वहीं नरही के लक्ष्मी मार्केट को एहतियात सील कर दिया। नरैनी से रामकिशोर उपाध्याय की रिपोर्ट। जमील का घर है ना? हाँ, जमील।